उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने जाति के आधार पर एक अवसरवादी गठबंधन करने की कोशिश की। लखनऊ में एसी कमरे में बैठकर ऊपर ऊपर से तो डील हो गई, लेकिन जमीन से कटे हुए ये नेता अपने कार्यकर्ताओं को ही भूल गए। नतीजा ये कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता आज भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। साथियों, दूसरी गलती सपा बसपा ने ये सोचकर की कि दोनों दलों को उनका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, इन लोगों ने कुछ जातियों को अपना गुलाम समझ लिया था। 2014 में पहली बार समझाने के बाद, 2017 में दूसरी बार समझाने के बाद, अब 2019 में उत्तर प्रदेश इन दलों को थोड़ा ठीक से समझाने जा रहा है कि जातियां आपकी गुलाम नहीं है। लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि वोट दिया जाता है विकास के लिए, वोट दिया जाता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। भाइयों और बहनों, इन लोगों ने जाति के नाम पर सिर्फ सत्ता हासिल की और फिर सत्ता का उपयोग अपने लिए बंगले बनाने में, अपने रिश्तेदारों तक को करोड़पति अरबपति बनाने में किया है। अब बुआ हो या बबुआ हो, इन लोगों ने गरीबों से खुद को इतना दूर कर लिया है, इतना दूर कर लिया है, अपने आसपास इन लोगों ने पैसे की, वैभव की, बाहुबल की, अपने दरबारियों की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर ली है कि इन्हें गरीबों का सुख दुख नजर नहीं आता।